हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज हम बात करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। भारत के बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन यानी मैनेजमेंट और हैंडलिंग नियम 1998 के अनुसार कोई भी अपशिष्ट जो मनुष्य या जानवर के निदान, उपचार या टीकाकरण के द्वारा या अनुसंधान गतिविधियों से संबंधित या जैविक उत्पाद या परीक्षण से उत्पन्न होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट। मतलब कि 1998 के अनुसार कोई भी अपशिष्ट पदार्थ जो मनुष्य जानवर के ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस या इम्यूनाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। इसके बाद हम इसके इंग्लिश में देख लेते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हैज़ बीन डिफाइन एज वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स इन रिसर्च एक्टिविटीज इन प्रोडक्शन ऑफ टेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल्स। वही है जो कि डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स में जो बाकी का जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको कहते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। इसके बाद इम्पोर्टेंस क्या है इसके, मेंटेनिंग हाइजीनिक इन्वायरमेंट इन हॉस्पिटल। मतलब जो हॉस्पिटल का एनवायरमेंट है उसको हाइजीन करने के लिए, प्रमोट द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, मतलब जो ह्यूमंस उनकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए किया जाता है। इसके बाद टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल वेस्टेज, नॉन हैजार्ड्स वेस्ट और हैजार्ड्स वेस्ट, ये दो वेट्स होते हैं बायोमेडिकल वेट्स, हैजार्ड्स और नॉन हैजार्ड्स। तो हम पहले देखेंगे नॉन हैजार्ड्स वेस्ट कौन कौन से होते हैं, इंक्लूडिंग किचन वेस्ट, जनरल ऑफिस वेस्ट, जो किचन का वेस्ट होता है, नॉर्मल जो कचरा वगैरह होता है उसको कहते हैं नॉन हैजार्ड्स वेस्ट। इसके बाद हैजार्ड्स वेस्ट की बात करेंगे, दिस वेस्ट इज डेंजरस, ये मतलब घातक होता है, डेंजरस होता है, ब्लड हो गया, ब्लड बॉडी फ्लूड्स हो गए, केमिकल हो गए, टॉक्सिक ड्रग्स हो गई, ये आते हैं हमारे हैजार्ड्स वेस्ट। इसके बाद हैजार्ड्स एसोसिएटेड विद हॉस्पिटल वेस्ट, हॉस्पिटल से एसोसिएट वेस्ट कौन से होते हैं, हेपेटाइटिस बी एंड सी, HIV एंड इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन, जो कि एसोसिएटेड विद हॉस्पिटल से हैजार्ड्स बनते हैं। इसके बाद डिकॉन्टामिनेशन ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट, मतलब डिकॉन्टामिनेशन कौन से हैं, डिस्पोजेबल आइटम्स सच एज ग्लव्स, सीरिंज, IV बॉटल्स, कैथेटर, एयर परचुनेट्स, मतलब ग्लव्स वगैरह, सीरिंज वगैरह, IV बॉटल वगैरह, ये आते हैं हमारे डिस्पोजल में। इसके बाद केमिकल डिकंटामिनेशन, ये भी डिकंटामिनेशन हो गया, डीप ब्यूरल एंड सोडियम हाइड्रोक्लोराइड 1% जो होता है हमारा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जो डिकंटामिनेट के लिए यूज़ होता है। इसके बाद हम बैग की बात करेंगे, सबसे पहले कौन सा बैग आता है, रेड बैग, उसमें क्या है, इसमें इन्फेक्टेड प्लास्टिक वेस्ट जैसे ग्लव्स, कैथेटर्स, आई वी सेट की जो बोतल होती है, DNS वगैरह ऐसी, वो ब्लड्स तथा यूरिन बैग को रखा जाता है। ये मतलब जो रेड बैग होता है बायोमेडिकल बैग, उसमें कौन से होते हैं, सारी प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं जैसे ग्लव्स हो गया, कैथेटर हो गया, जो रबड़ और प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं उनको रेड बैग में डाला जाता है। इसके बाद येलो बैग की बात करें, इसमें संक्रमित कचरे को रखा जाता है जैसे ह्यूमन ऑर्गन्स, टिश्यू, बॉडी पार्ट्स, ड्रेसिंग वेस्टेज, पस आदि, मतलब जो बॉडी से रिलेटेड है उस वेस्ट को येलो बैग में डाला जाता है। कौन कौन क्या क्या डाला जाते हैं, ह्यूमन ऑर्गन्स हो गए, टिश्यू हो गए, ड्रेसिंग करते हैं हम गोश पीस, बैंडेज वगैरह या स्वेब हो गए वगैरह, उस वो इसमें डालेंगे। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जो ब्लड बैग होता है वो होता है हमारे किस में जाएगा, येलो में। इसके बाद हम ब्लू बैग की बात करेंगे, तो इसमें टूटी कांच की बोतल को
कलेक्ट किया जाता है, मतलब वॉल्व हो गई, एम्पुला हो गई, ये जो सीरेंज होती है ग्लास की सीरेंज, उनको भी इसमें डाला जाता है। ब्लू बैग में इसमें कांच वगैरह की चीज़ें डाली जाती है। और ब्लैक बैग असंक्रमित वेस्ट, नॉन इन्फेक्टियस वेस्ट जैसे कागज, टिश्यू पेपर, किचन वेस्ट, मेडिसिन्स के कवर आदि इस श्रेणी में डाले जाते हैं। मतलब जो ब्लैक वाला जो होता है उसमें क्या डालते हैं, नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट मटेरियल्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही हमारे फेसबुक चैनल पेज ऑफिशियल नर्सिंग नोट्स को भी फॉलो कीजिए। थैंक यू।